रात में भी आपने जैसे देखा क्या कि कुछ भैंस का वो है, भैंस आप टहला रहे थे, क्या पूरा मामला था? देखिए देखिए, मैं जनता का सेवक हूँ, शुद्ध रूप से जनता का सेवक, और सेवक का फर्ज है कि जब भी कोई व्यक्ति संकट में हो, मुसीबत में हो, तो उसके साथ खड़ा हो जाना चाहिए, परेशानी हो, चाहे वो बालक भीड़ में से उस भैंस को निकाल के ले जा रहा था, तीन भैंसें थी, छोटा सा बालक था, 9-10 साल का, तो फिर मैंने उसको परेशानी देखी तो मुझे लगा कि इस बालक की थोड़ी हेल्प करूं, उस भीड़ से उस बालक को निकाला। लेकिन उसको कांग्रेस ने आज ट्वीट किया है प्रवक्ता ने कि के मिश्रा जी ने, उन्होंने बोला है कि बेपरवाह मंत्री, जैसे एयरलाइंस बेच दी तो सिंधिया जी फुर्सत में, उसके बाद मंत्री जी भी ऊर्जा संकट चल रहा है उसमें, वो भी आराम से फुर्सत में चल रहे हैं, बेपरवाह मंत्री। देखिए उनको मेरा ये कहना है, मिश्रा जी बोलने का अधिकार सबको है, बोलना चाहिए। के मिश्रा जी से और कांग्रेस के साथियों से पूछना चाहता हूँ कि 15 महीने के शासन में उनके जो मंत्री थे कितने प्लांटों में गए, कितने सब स्टेशनों का निरीक्षण किया, पहले कितनी ट्रिपिंग हो रही थी, कितनी हीट रेट थी, कितना ऑयल खपत होती थी, ये सारा रिकॉर्ड कभी देखा था उनने जाके? और उनके समय में जो हीट रेट थी उससे कम हुई कि नहीं हुई है? जनरेशन कंपनी की ट्रिपिंग कम हुई है कि नहीं हुई है? ऑयल खपत कम हुई है कि नहीं हुई है? ये काम देखने का समय उन पे था ही नहीं। हाँ, जिस समय मैं जनता जनार्दन के बीच होता हूँ तो मेरा कर्तव्य है, जिन लोगों ने मुझे चुना है उनके लिए, मेरे लिए पद महत्वपूर्ण नहीं, उनकी सेवा करना मेरे लिए महत्वपूर्ण है। क्या मान के चलेंगे आगे भविष्य में कोई संकट आएगा कि लोगों को जो ट्रिपिंग है? देखिए मेरा ये कहना है कि आज की डेट में कोई समस्या नहीं है, बगल में राजस्थान है, बिजली कटौती हो रही है, महाराष्ट्र में देख लो बिजली कटौती हो रही है। विश्वास रखो कि माँ दुर्गे की कृपा और जनता जनार्दन का आशीर्वाद और हम सबकी मेहनत इस संकट से भी निजात दिलाएगी।